दिस इज़ मलिक मोहसिन। इसमें मैं ड्रग मीनेस के बारे में बात करूंगा जो कश्मीर में बहुत ही डिस्ट्रक्शन और तबाही मचा रहा है। स्पेशली द यूथ इज़ फॉलिंग प्रे टू दिस मीनेस और सिकर्स ऑफ ड्रग अब्यूज़। अब इसकी रीजंस क्या है, इसके सॉल्यूशन क्या है, उसके बारे में हम लेटर बात करेंगे। बट पहले मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स दूंगा कि कितना फैला हुआ है आज हमारी सोसाइटी में, हमारे आंखों के सामने, बट हम अनदेखा कर रहे हैं। लेट मी फर्स्ट से about its monstrous growth. Thousands of Kashmiri youth are in grip of drug addiction. SMHS de-addiction center, जो कश्मीर का सबसे बड़ा इदारा है जहाँ पे de-addiction हो रही है, लोगों को wean off किया जा रहा है from the addiction of drug. उसमें ये रिपोर्ट आई है कि 945% दैट इज 945% राइज हुआ इन पेशेंट सिंस 2016 to 2017। 489 पेशेंट्स विजिटेड इट्स आउटपुट पेशेंट्स डिपार्टमेंट बिटवीन अप्रैल 2016 एंड मार्च 2017। 3622 दैट इज 3622 इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स। इसके बाद ये राइज ही हो रहा है। नेक्स्ट 12 मंथ्स में क्या हुआ, 5100 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। दैट्स शॉकिंग। And you will not even believe, between April and June 2019, as many as 1,095 patients have visited the facility. इतनी खराब हालत। कुछ डॉक्टर की रिपोर्ट देखते हैं। डॉक्टर सलीम यूस सीज 50 to 60 patients every day, a majority of whom are aged between 10 and 30. He estimates that 80 to 90% are heroin addicts. ये क्यों ये फैल रहा, क्योंकि यहाँ पे इजी पिलफरेज हो रही है, ड्रग इजीली अवेलेबल है लोगों के लिए। इसके लिए द फर्स्ट कल्प्रिट्स आर जो ड्रग पेडल करते हैं। और एक जो ड्रग एडिक्ट खुद था, उसने खुद ही एक्सेप्ट किया है एंड ही सॉट एनोनिमिटी इन इट, कि उसने कहा पहले जब मैं जाता था मुझे संगम से ये ड्रग्स मिलते थे एंड देन नाउ आई सी इट इज़ एवरीवेयर। He said that if a drug peddler sells 25 packets a day, he can earn up to a profit of 25,000 per day. और इसके लिए बहुत लोग ईमान बेचने के लिए तैयार है। ओके, ही ऑल्सो कन्फेस दैट इन विलेजेस द रेट इज 1,000 पर पैकेट, इन श्रीनगर इट इज 1,800 to 2,000 एंड आउटसाइड कश्मीर इट सेल्स फॉर रुपीज 4,000 to 5,000। इट्स एन इंडस्ट्री एंड एवरीवन इज प्रॉफिटिंग फ्रॉम इट, सेज दिस पेशेंट। अब मसला कि लोग वहाँ क्यों जा रहे हैं, वॉट ड्राइव्स यूथ इन टू दिस सेसफुल ऑफ करप्शन, दिस सेसफुल ऑफ क्योस, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इफ़ वी सी डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, एंड बिकॉज आई हैव माई सेल्फ बीन अ वोरेस स्टूडेंट ऑफ फिलोसफी एंड साइकोलॉजी, आई हैव जस्ट काइंड ऑफ फेरेटेड आउट द इनर अकाउंट्स, द इनर डिटेल्स ऑफ दिस क्योस। क्यों, फर्स्ट ऑफ ऑल कश्मीर में कन्फ्लिक्ट का भी असर है, बट वो रीज़न खाली नहीं है। इट इज़ बिकॉज सम पीपल गो इनटू दिस डिपार्टमेंट फॉर फन, उनके फ्रेंड सर्कल में कोई बोलता है लेट्स डू इट फॉर फन, यू विल फील एलिएटेड, एक नई फीलिंग आती है, बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस होती है जो सोबराइटी में नहीं एक्सपीरियंस होगा। इसमें बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, मनी ऑफ द पीपल आर एनस्नेर्ड इनटू दिस ड्रग इंडस्ट्री बिकॉज दे वेर कजोल्ड बाई देयर फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल Wherever you are, especially to those who are between 10 and 25, अगर फ्रेंड सर्कल में कोई भी बंदा है जो इस एरिया में है, push yourself out of it. Push yourself out of it, and it's the responsibility of parent to know that. Because इंसान क्यों easily फिर motivate होता है ये करने के लिए, क्योंकि जब teen age में इंसान को थोड़ी बहुत sufferings आती है, वो explain नहीं कर पाता ये क्यों हो रहा मेरे साथ। Plus आजकल के सोसाइटी ऐसे जहाँ पे प्रिंसिपल्स अंदर से इंसान के नहीं है, दे हैव नो प्रिंसिपल्स। कौन से प्रिंसिपल्स जो दुनिया की सफरिंग्स को एक्सप्लेन करें, बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स दैट विल हैपन टू यू इन दिस वर्ल्ड विच हैज़ लिटरल नो एक्सप्लेनेशन। और इतनी सफरिंग्स वो होती है टीन एज में कि लोग एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते ये क्यों हो रहा है, या टीन एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता ये क्यों हो रहा है। उसके लिए उसको कुछ रीज़न जब नहीं है, He wants to have relief from those sufferings, and he just numbs himself, he drugs himself so that he escapes the reality,
इतनी खराब रियलिटी होती है कि वो अपने सेंस ही नम करता है। अगर आप हम देखेंगे जो एल्डरली पीपल है वो अपने जाविये से इसे देख रहे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे, भाई इसको कौन सा मसला, इसको तो प्रॉब्लम नहीं है। यू डू नॉट हैव टू सी उसको कौन सी प्रॉब्लम है, अपने पर्सपेक्टिव से, अपने जाविये से, कभी उसके आंखों के थ्रू दुनिया को देखो। जो आपका बच्चा है, जो हु इज बिटवीन द एज ऑफ 15 एंड 30, जस्ट सी वो किसको कितना वैल्यू देता है। शैल आई पैराफ्रेज इट, वो किस चीज को क्या वैल्यू दे रहा है, वट इज हिज हायरार्की ऑफ वैल्यूज। जो आपकी वैल्यूज थे हायरार्की के, उसके डिफरेंस है, क्योंकि ये शिफ्ट होता है, ये फ्यूचर में बढ़ जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि इट इज बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न विंड ऑफ लिबरलिज्म। वाई आई एम सेइंग दिस, आई एम नॉट सेइंग इट फॉर फन कि मैं लिबरलिज्म को हर चीज पे लिबरलिज्म को पॉइंट करो। इट इज बिकॉज द लिबरल से लिव फॉर द मोमेंट, दैट इज द मोटो ऑफ देयर लाइफ। अगर ये उनका मोटो है, अगर ये उनका मोटो है, इफ यू फाइंड योर सेल्फ इन क्योटिक स्टेट, जहां पे आपको सफरिंग है, पेन है, तकलीफ है, तो मसला है ये जो लिबरल माइंड सेट के होते हैं, वो बोलते क्यों ना हम अपने आप को इस ड्रग्स में बेखुद करें, ताकि इंसान रियलिटी को ना फेस करे। एंड इफ यू डू नॉट हैव प्रिंसिपल्स, फॉर गॉड सेक, चाइल्ड डेवलपमेंट में सबसे बड़ा चीज जो इंसान को इनकलकेट करना है उनके बच्चों में, इट्स प्रिंसिपल्स, इट्स वैल्यूज, वो वैल्यूज जो उसको द अनफेयर सर्कमस्टेंसेस को एक्सप्लेन करे, मेरे साथ क्यों हो रहा है। क्योंकि आजकल की जनरेशन, स्पेशली द आई जनरेशन, दैट इज जो 1994 के बाद पैदा हुई, दैट इज इंटरनेट जनरेशन, उनमें ज्यादा विक्टिम मेंटेलिटी है। दे वुड सी द स्लाइटेस्ट अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस और वो उसको एक विक्टिम मेंटेलिटी के थ्रू देखेंगे। दे विल सी एवरीथिंग थ्रू द फिल्टर्स ऑफ विक्टिम मेंटेलिटी, और उनके पास कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं होती। एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं होती है, क्योंकि उनको बचपन में वो इनकलकेट किया ही नहीं गया। दे वर नॉट टॉट व्हाट द वर्ल्ड इज, हाउ हार्श द वर्ल्ड इज आउट देयर। दिस इज अ स्टेटमेंट दैट इज सो क्लोज टू मी। वन मोर रीजन इज दैट इसका सबकॉन्शियस इफेक्ट आप मूवीज, रैप म्यूजिक सबसे ज्यादा और गानों में देखा जाता है, बिकॉज दे ग्लोरीफाई, दे डीफाई द यूज ऑफ ड्रग्स। दे शो इट इन सच अ वे कि इसमें एक स्वैग है, एक करिश्मा होता है। बिकॉज यू सी इन द मूवीज यू विल फाइंड दैट द डिपिक्शन ऑफ अ ड्रग अब्यूजर इज रिप्रेजेंटेड एज अ हीरो। एंड कोई बोलेगा आई एम नॉट दैट मच फूल कि मुझे असर नहीं पड़ेगा, भाई असर पड़ता है। सबकॉन्शियसली आपको इनकलकेट किया जा रहा है, सबलिमिनल मैनिपुलेशन, जिसके बारे में मैंने बहुत बोला है पुराने वीडियोज। यू आर एक्सपोज, अवर टीन इज एक्सपोज टू दिस मिनीस रिपीटेडली एंड अनकॉन्शियसली दे बिगिन टू सी इट कि उतना भी उतना मसला नहीं है। इफ यू टेक इट वंस इट इज ऑफ नो बिग डील, लेट्स एक्सप्लोर इट फॉर फन। एंड डेफिनेटली जब एक्सप्लोर करते देन दे डोंट नो वैन दे गेट ट्रैप्ड इन टू दिस साइकिल और वो एडिक्ट बन जाते। ये रीजन है, और इसके सोल्यूशन क्या है, जो ट्रेडिशनल मॉरालिटी है, दैट्स ऑब्जेक्टिविटी ऑफ ट्रूथ। ये फिलोसफिकल डिस्कशन है। इफ यू से कि ट्रूथ आर नॉट ऑब्जेक्टिव, सब कुछ एक सोशल कंस्ट्रक्शन है, देन दिस विल लीड टू ड्रग्स, एंड ये फिलोसफिकल है। मोस्ट पीपल राइट नाउ, आई टॉक माई सेल्फ टीन एंड दे आर सो लिबरल इन माइंड सेट, दे हैव नो आइडिया व्हाट आर इट्स इम्प्लिकेशंस। जैसे कि कुछ सच नहीं है, खाली इन्होंने बनाया है टू कंट्रोल द सोसाइटी, बट द फैक्ट इज दैट वेन यू डू इट यू डिप्राइव, यू स्ट्रिप यूर सेल्फ ऑफ द रीजन्स ऑफ लाइफ, हम क्यों यहाँ है। ये चीजें सब इन चीजों में लीड कर रहा है, बिकॉज दे हैव सो मच, इट्स कॉल्ड टीलियोलॉजिकल डिप्रेशन। दैट मीन्स द इन एबिलिटी टू एक्सप्लेन वाई वी आर हेयर, दिस अ बिग क्वेश्चन, और इसके ही आउटग्रोथ सब है। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको अपनी लाइफ में कंट्रोल नहीं होता है, दे फाइंड देमसेल्व्स, दे मीट अपॉन फेलियर्स, दे मीट अपॉन द रिलेशनल डिप्रेशंस, दे फेल इन देयर करियर्स, दे फेल इन द रिलेशन विद देयर पेरेंट्स, एंड दे फेल इन द वे द सोसाइटी व्यूज देम, कुछ एक्सपेक्टेशंस होते हैं, दे फेल इन इट। एंड देन ये चीज़ें होती है हर किसी को, बट जब आपको ये चीज़ें होंगी और यू हैव नो एक्सप्लेनेशन फॉर इट, एंड यू विल फाइंड लिबरलिज्म हैज नो एक्सप्लेनेशन फॉर इट, बिकॉज आई हैव बीन वंस अपोस्टल ऑफ लिबरलिज्म एंड आई सॉ देयर आर नो आंसर। ये चीजें जब नहीं है आपके पास द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस, एंड देन यू मीट अपॉन अ ट्रेजिडी, से अ वेरी ब्रूटल ट्रेजिडी, यू आर मोर लाइकली टू फॉल इन टू इट।
एंड पता क्यों? क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स वगैरह का वो डर नहीं है, यू आर अवे फ्रॉम पेरेंट्स, यू विल मोस्ट लाइकली फॉल प्रे टू दिस. खाली एसोसिएशन में होना चाहिए कोई. प्रिंसिपल्स अगर आपके बच्चे में नहीं है, इफ़ द टीन्स डू नॉट हैव द प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स जो उनकी पर्सनैलिटी के इंटीग्रल पार्ट है, दोज प्रिंसिपल्स हु दे हैव इंटरनलाइज्ड इन देयर साइकोलॉजी, इन देयर साइकी डीप डाउन, अगर वो नहीं है तो लेट मी टेल, ये पहली साइन है. सेकंड स्टेज ये है, फिर आपको क्लैम डाउन करना है. दोज पेडलर्स हु सेल इट, हु डिस्ट्रॉय द लाइव्स ऑफ मनी यूथ्स, नीड टू बी पुट बिहाइंड द बार्स. ये पता ही, लेकिन ये सेकंड है, क्योंकि जितना आप स्ट्रिक्ट हो जाओगे उतने तरीके से वो उसको भेजेंगे. क्योंकि वेस्ट में क्या हुआ, द वॉर ऑन ड्रग्स हैज फेल्ड कंप्लीटली, क्योंकि उन्होंने एक ही पोर्शन में वो किया, दे जस्ट क्लैंप डाउन ऑन दीज पीपल, उन्होंने उनको जेल में डाला, पनिशमेंट्स दी, बट दे फाउंड न्यू वेज टू गेट इनटू इट, क्योंकि उन्होंने कोर पे फोकस ही नहीं किया. द फैक्ट ऑफ द मैटर मीन्स दैट द फर्स्ट इज दैट डेवलप प्रिंसिपल्स, हमारे इस्लामिक प्रिंसिपल्स, और वो भी आपको सोर्स ऑफ कंडेमनेशन से नहीं बोलना कि ये है आज सोसाइटी सब खराब है, वो भी गलत है, ये भी गलत है, ऐसा नहीं. आपको उनको री इंटीग्रेट सोसाइटी में करना है by being one of them, not being on a podium, on grandstanding कि ये गलत है, मैं ठीक हूँ, नहीं. जैसे आजकल के ट्रेडिशनल उलमा करते हैं. मेरी रिक्वेस्ट ट्रेडिशनल उलमा से ये है, डेफिनेटली फर्स्ट ऑफ ऑल आजकल की जनरेशन रैशनल जनरेशन है, उनको वो कहानियाँ वो पुराने तरीके से आप जो बोलते हैं नहीं समझ आ रही है. नहीं, आई माई सेल्फ डोंट लाइक इट, बिकॉज यू सी द मॉरल ज़ाइटगाइस्ट चेंज हुआ है. आजकल की जनरेशन डिफरेंट तरीके से सोचती है, आपको वही मॉरेलिटी इसी तरीके से कन्वे करनी है, नहीं कर पाओगे तो कोई नहीं सुनेगा. सो आप मुझे, आई सिंसियरली रिक्वेस्ट इफ़ एनी वन इज वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ आप अपने आप को एक स्टैंडिंग मत दो, एक मॉरल पोडियम पे आप बैठे हो कि आप मैं ऊपर हूँ, बाकी सब पे आप मलामत करते हैं कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, मैं ठीक हूँ, देखो जनरेशन को क्या हुआ. ऐसे कोई भी इस्लाह नहीं होती है, रेक्टिफिकेशन ऐसे नहीं होती है. फॉर गॉड सेक आप अपने आप को हमारे जाविये से देखिए, फ्रॉम द मेंटल पर्सपेक्टिव ऑफ अ टीन एज स्टूडेंट, और फिर देखिए कि हाउ ही सीज द वर्ल्ड. आपको दिखेगा कि उनको अपने रीजंस होते हैं. सो प्लीज आप कंडेमनेशन के स्टेज से बाहर आइए और आप एक इक्वल लेवल पे आइए. एंड देन यू हैव टीच देम, मेक देम बिलीव व्हाई इट इज रॉन्ग. एंड द रिक्वेस्ट टू पेरेंट्स इज दैट टीच हिम व्हाट लाइफ इज, हाउ ब्रूटल इट इज, टीच हिम दैट देयर आर ट्रेजेडीज ऑन इट्स वे. अगर आपने उसमें ये वैल्यूज इनकलकेट नहीं किए जो एक्सप्लेन करें दीज थिंग्स, ही विल फॉल इट. आप हर वक्त उस पर ध्यान नहीं रख सकते, देर आर ऑलवेज मोमेंट्स वेयर ही इज अवे फ्रॉम योर केयर, एंड इफ ही हैज़ नो मीनिंग, नो आंसर्स टू द क्वेश्चंस, एंड द क्वेश्चंस जो वो आपको नहीं बोल सकता, अगर उसके फ्रेंड सर्कल में एक भी निकला, देन दिस साइकिल इज वेरी विशियस एंड अट्रैक्टिव, इट हैज़ इट ग्रेविटेट्स पीपल टुवर्ड्स इट. दैट्स माई रिक्वेस्ट, एंड प्लीज शेयर दिस, subscribe and like. This is something that I can speak on at great length, but let's see if anyone suggested me to speak on length on it, then there can be a very philosophical and psychological discussion how it can be prevented, why youth, knowing that it leads to destruction, still go into it. Unko pata hoti hai, unko kuch aur cheez drive kar raha hai. Agar us drive ko hum control mein nahi kar paye, explain nahi kar paye, उस ड्राइव को, उस डिजायर को रेक्टिफाई नहीं कर पाएंगे, बाकी सब कुछ क्लैम डाउन वगैरह वो कुछ नहीं करेगा. दैट सेकेंडरी, फर्स्ट इज प्राइमरी इज दिस, एंड व्हेन यू कंबाइन इट विद सेकेंडरी सॉल्यूशन, दैट इज व्हेन यू कर्ब द सेलिंग ऑफ ड्रग्स एंड इनकार्सरेट दीज मॉन्स्ट्रस ड्रग पेडलर्स, फिर ये कंटेनमेंट में आएगा. अगर ये नहीं हुआ, देन यू विल सी राइजिंग, नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रिक्ट इज द क्लैम डाउन. थैंक्स.